तो आज हम जा रहे हैं अपने बलेनो सिग्मा में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स लगाने, जो कि बाकी टॉप एंड्स मॉडल में आते हैं। इसमें सिग्मा में रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट आती हैं, जो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो इसकी वायरिंग अलग आती है सिग्मा के मुकाबले, तो मुझे इंस्टॉल के पास ही इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक अलग से एक रिले लगती है। यहाँ पे उन्होंने बम्पर खोल दिया है, पूरा बम्पर खोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो हेडलाइट हम लगवाने वाले हैं वो ये वाली है, इसकी उन्होंने कपड़े निकाल के वायरिंग अलग से कर रखी है, इनका इंस्टॉलेशन उनको ही पता। और दोनों हेडलाइट्स निकाल के और एक न्यू रिले, क्योंकि जो हमारे H4 बल्ब्स आते हैं उसका सॉकेट अलग आता है, तो इस प्रोजेक्टर हेडलैम्प में इनके कपलर्स अलग होते हैं, DRL के लिए अलग है, हेडलाइट्स के लिए अलग है, इसलिए एक रिले लगेगी जो इनको ही अच्छे से पता है लगाने का। एक इन्होंने एक हेडलाइट ऑलरेडी ऑन कर रखी है जिसका DRL है। इनके पास बाकी हर टाइप की हेडलाइट्स का इंस्टॉलेशन हो जाता है, और पुराने हेडलाइट्स की ये लोग कॉस्ट KGN लाइट रिफ्लेक्टर बेस्ड की मैंने तो इनसे पूछा था कि एक्सचेंज में ले लो, बट नहीं, इन्होंने नहीं किया। तो इसमें ये जो रिले लगाएंगे उसमें एक इनका रिले का एक अलग से फ्यूज़ आता है और एक कंट्रोलर आता है, और रिले डायरेक्ट पावर देती है बैटरी से, बट हमारा जो हेडलाइट का मेन पीछे से स्विच आता है उससे अपर डिपर के लिए वहाँ पे कपलर लग जाता है, तो वो काम हो जाता है। इसकी लुक्स भी काफ़ी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पुराने, मैंने इसमें फॉग लैंप भी प्रोजेक्टर वाले इंस्टॉल करवा रखे हैं, बट उससे मुझे फ़र्क पड़ा काफ़ी, बट मुझे अब कुछ अपग्रेड करवाना था, क्योंकि इससे लुक्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अभी इन्होंने ये वायरिंग कर रखी है और अपना ये ठीक से अच्छे से टेपिंग करके कर रखी है। अब इसमें ये हेडलाइट्स इंस्टॉलेशन का ऐसा था कि कुछ लोग ये डायरेक्ट भी कर देते हैं वायर कट करके, लेकिन वो हमेशा प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है हेडलाइट के साथ, तो फिर वो अपनी कार की वायरिंग का इफेक्ट कर सकता है। ये हेडलाइट चेक कर रहे हैं वो कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। ये अभी DRL ऑन कर रखी है और उसका अपर डिपर ऑन करके देख रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अब जब हम लोअर बल्ब जला रहे हैं और जब उसको अपर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो दोनों बल्ब एक साथ जलने चाहिए। इसमें जैसे अभी सिर्फ अपर ही जल रहा है, लोअर भी इसके साथ जलना चाहिए, तो वो सारे कनेक्शंस कर लेंगे। लुक्स मुझे तो लगता है काफ़ी एनहांस होने वाले हैं। बेस मॉडल में मैंने अभी तक मैंने स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया था, और ये मेरा लाइट का नेक्स्ट सेटअप था करवाने का। वायरिंग आप जब भी करवाओ प्रॉपर टेपिंग के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कहीं वायरिंग में छोटे से छोटा डिफॉल्ट से एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आपकी पूरी हेडलाइट ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक हेडलाइट की कॉस्टिंग अराउंड 12,000 to 13,000 आती है। ये प्रॉपर पूरा लुक है हेडलाइट लगने के बाद। रात में इनका क्या परफॉर्मेंस है वो मैं अगले वीडियो एक रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, और अगर इंस्टॉलेशन रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमारी हेडलाइट का लगने के बाद ये एक फाइनल फोटो।